भाइयों, दुनिया में केवल 10% महिलाएं ही धूप से जलती हैं, बाकी तो एक दूसरे से जलती हैं। गर्मी का आलम यह है कि गर्मी के मारे मिट्टी का मटका आधा पानी अपना खुद पी जाता है। बताओ कितनी गर्मी है भाई। हाँ, लू और भूत एक जैसे होते हैं, दोनों दिखाई नहीं देते फिर भी लग जाते हैं, इसलिए 12 बजे घर से ना निकले। यानी 2 जून को नौतपा समाप्त हो जाएगा और तब जाके कहीं 2 जून की रोटी नसीब होगी। इस भीषण गर्मी में केवल एक ही राहत की बात है कि ठंड नहीं लग रही है। फास्ट फूड खाने से इंसान फास्ट नहीं होता। ओह माय गॉड। स्मार्टफोन चलाने से इंसान स्मार्ट नहीं होता। लूज मोशन लग जाने से इंसान लूज जरूर हो जाता है। तेज गर्मी है, अपना ख्याल रखें। इस गर्मी का आलम बस इतना समझ ले ए जिगर, कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। मित्रों, घर से फालतू में बाहर ना निकले, गर्मी बहुत है। लोग ओम शांति कॉपी किए बैठे हैं, चिपकाने में देर नहीं करेंगे। भाइयों, इस चिलचिलाती गर्मी में सिर्फ एक ही चीज ठंडी है, वो भी मेरी जेब। गर्मी का पारा रोज ऊपर चल रहा है, खटाखट 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 खटाखट। बाबू मोशाए, आम नीम पीपल बरगद जैसे बड़े पेड़ काटकर घरों में मनी प्लांट जैसी झाड़ी लगाने वाली मानव जाति को भीषण गर्मी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि हर कोई घर से हीरो बन के निकलता है और जब शाम को घर पहुंचते हैं तो चमगादड़ बनकर पहुंचते हैं। जिस स्पीड से पारा हर रोज चल रहा है, कहीं 4 जून को 56 डिग्री ना हो जाए। गर्मियों की छुट्टियों में मेरा प्लान फिक्स रहता है। पिछली बार मैं अमेरिका नहीं गया था और इस बार स्विट्जरलैंड नहीं जाऊंगा। हर चीज में कमी निकालने वालों, अब गर्मी में कमी निकालो तो जानू। भाइयों, गर्मी और बीबी एक जैसी ही होती है, दोनों का जब पारा चढ़ता है तो अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देगा।